हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी फूड ब्लॉगर। और लॉकडाउन चल ही रहा है, 14 दिन का मोदी जी ने और बढ़ा दिया है लॉकडाउन, तो उसी के चलते नई नई डिशेज घर पे ट्राई करी जा रही है। तो आज कुछ नया ट्राई करने की सोची है। अब बाहर से सिर्फ एक ही चीज की सर्विस मिल रही है हमें, जो कि है पिज्जा। डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर पा रहे हैं डोमिनोज के थ्रू, बट वो फैसिलिटी भी हमारे लिए उतनी सेफ नहीं है। कहते हैं सेफ्टी के लिए सारे रेस्टोरेंट कहते हैं, बट ऑल्सो दैट इज नॉट दैट मच सेफ। सो आज हम घर पे ब्रेड पिज्जा ट्राई करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सामान है यहाँ पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं अमूल का पिज्जा चीज है, मोजरेला चीज लाया हूँ मैं अमूल का, देख सकते हैं आप। और कुछ सॉस है मेरे पास, कुछ टॉपिंग्स हैं, ये कुछ चीजें काटी मैंने, 2 प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर, क्योंकि घर पे हम उसे पिज्जा को और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। और सॉस है मेरे पास, चिली और टोमेटो सॉस है जिससे मिक्स करके लगाएंगे हम। और ये हमारे पास बोन की ब्रेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम ये जो हमारे पास टॉपिंग्स हैं, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर और गाजर, इन्हें सबको मिला लेंगे। एकदम कलरफुल सी टॉपिंग बनेगी हमारी। इसी में हमें थोड़ी सी चीज भी ग्रेट कर लेते हैं। थोड़ी सी इसमें ग्रेड कर लेते हैं। इतनी चीज बहुत है, मिला लेते हैं थोड़ा। इसमें थोड़ी सी नमक वगैरह डालते हैं अब। इसमें हम थोड़ा नमक मिला लेते हैं। नमक मिला दिया हमने और थोड़ी सी काली मिर्च मिला देते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। A little bit, okay. Now mix it well. Okay. तो देख ही सकते हैं आप ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो अब करते हैं ब्रेड को तैयार अपनी। यहाँ पर मैंने ये चिली सॉस और टमाटो सॉस दोनों को मिला के लिया है जिससे टेस्ट और अच्छा आएगा, तो इसे मिला लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ओके, अब करते हैं ब्रेड की तैयारी। तो ये हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, सबसे पहले इस पे सॉस लगा लेते हैं। ये हमने स्लाइस पे सॉस अच्छे से लगा दिए। अब इस पे टॉपिंग रखते हैं, ये इस पे टॉपिंग लगा देते हैं आप। ओके, ये देख सकते हैं आप कितनी हमने इस पे टॉपिंग लगा दी है, देखने में अच्छी लग रही है। अब इस पर चीज ग्रेट कर देते हैं थोड़ी सी।
ओके तो ये देख सकते हैं आप, तो ये देख सकते हैं आप देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसके ऊपर थोड़ा सा, मुझे अदरक पसंद है तो मैं थोड़ा सा अदरक लगाऊंगा इसके ऊपर। थोड़ी सी मिर्च और स्प्रिंकल करते हैं इसके ऊपर। वेट अ मिनट, ये थोड़ी सी मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ओके सो एक पिज्जा रेडी हो चुका है, अब ऐसे ही फटाफट और भी कर लेते हैं। कढ़ाई में एक बार मतलब आ जाएंगे। तो पिज्ज़ा हमारे रेडी हो चुके हैं, अब फटाफट से इन्हें सेकते हैं। हम नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा देसी घी डालते हैं, हम बटर का यूज़ नहीं कर रहे, बटर का बड़ा भाई यानी कि देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से डाल देते हैं। ये गैस हमें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल सेम रखनी है, जिससे कि ये जले ना और हमारा जो चीज़ है वो पिघल जाए। थोड़ा इसे स्प्रेड कर देते हैं जिससे कि चारों तरफ को लग जाएगी। ओके बिल्कुल सिंपल गैस, और इसके अंदर रख देते हैं हम अपने पिज्जास। एक एंड द सेकंड वन, ओके दो ही बनेंगे एक बार में। और जैसे ही हम ये रख देंगे इसके बाद, ये देख सकते हैं आप, ये रख दिया हमने। अब इस पे प्लेट रख देंगे हम जिससे कि पिघल सके चीज़ हमारा।